पब्लिक टीवी आपकी आवाज। टीएमयू के क्रिकेट मैदान पर मुरादाबाद एक्सपोर्टर्स 11 और दिल्ली एक्सपोर्टर्स 11 के बीच दोस्ताना मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली के निर्यातकों ने मैच जीता तो मुरादाबाद के निर्यातकों ने अपनी मेहमान नवाजी से अतिथियों का दिल जीत लिया। दिल्ली के अंकित को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, ईपीसीएच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश कुमार, कुलाधिपति सुरेश जैन, ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। टॉस जीतने के बाद मुरादाबाद के कप्तान रोहित ढल ने बल्लेबाजी और दिल्ली की टीम के कप्तान प्रिंस मलिक ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। 6 विकेट पर 169 रन बनाकर मुरादाबाद की टीम ऑल आउट हो गई। जवाबी पारी खेलने दिल्ली एक्सपोर्टर्स 11 की टीम ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुरादाबाद की ओर से सौरभ, विशाल, फैजल और समद ने एक एक विकेट लिया। श्रेष्ठ फील्डर मुरादाबाद के लक्ष्य, श्रेष्ठ गेंदबाज दिल्ली के प्रियांश मलिक, श्रेष्ठ बल्लेबाज मुरादाबाद के मोहम्मद उमर को चुना गया। विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। अंपायरिंग बदरुद्दीन और चंद्रशेखर ने की। अध्यक्ष नावेदुर रहमान ने कहा कि मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। एपीसीएच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश कुमार से टीएमयू के छात्रों ने भी कारोबार की बारीकियों को समझा। खेलों का आयोजन करते रहे हैं, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। खेल हमेशा भाईचारे का, प्रेम भाव का एक संदेश के रूप में, एक संदेश का माध्यम है और आज इस माध्यम को हम लोग ठीक से इस्तेमाल करेंगे और आज आयोजन के माध्यम से, इस क्रिकेट मैच के माध्यम से हम इस मुरादाबाद की जनता का, सबका एक संदेश देने का काम करेंगे। मैं आपकी सबकी उपस्थिति के लिए विद्यालय परिवार के लोगों ने, माननीय सुरेश जैन जी ने स्थान आप लोगों को उपलब्ध कराया है और मैं सबका, आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित करके मेरा मान सम्मान दिया है, मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। अपनी ओर से अपने सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, बेटों का और माननीय मंत्री जी का और विधायक जी का, एज ए एक्सपोर्टर आप लोग यहाँ आए हैं और ये अच्छा मैच होगा। हम लोग प्रयास करते हैं मुरादाबाद को अच्छी सरजमीन है जिससे इसका नाम हो और आप लोग जो मुरादाबाद का नाम पूरी दुनिया में करते हैं उसी के साथ साथ हम भी कुछ प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मौजूद सभी सम्मानित एक्सपोर्टर आज मुरादाबाद में टीएमयू ग्राउंड पे ये एक मैच का आयोजन किया जा रहा है। मैच के लिए ईपीसीएच को, यस को और मुरादाबाद की का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी पहल उनके द्वारा ये मुरादाबाद में की जा रही है और मेरी शुभकामनाएं दोनों टीम को है, क्योंकि दोनों टीम मेरी अपनी है। जो भी जीतेगा बस आइए, जो भी हारेगा इसमें हार जीत का कोई मैटर नहीं है, पार्टिसिपेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोनों टीम को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीन भाई और अभिषेक अग्रवाल जी, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के श्री नीरज खन्ना जी, नेशनल कन्वीनर रोहित ढल जी, हमारी दोनों टीम्स के जो कैप्टन्स हैं प्रिंस मलिक जी दिल्ली और रोहित ढल जी मुरादाबाद, इसके साथ तमाम मुरादाबाद के निर्यातक बंधु, हमारे दिल्ली से आए हुए हमारे निर्यातक बंधु फिरोजाबाद और उसके अलावा हमारा जो नया बिजनेस स्कूल हैंडीक्राफ्ट के लिए शुरू हुआ है उसके छात्र और छात्राओं, आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग थोड़ा सा अपने कारोबार से हट करके एक अलग कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हमारे आपस में जितना भी भाईचारा और हमारे आपस में जितना भी तालमेल है वो बढ़े और उससे निर्यातक एक अलग से कुछ सोच उसकी रखे और ऐसी ही सोच हमारे भारत में इस टाइम न्यू इंडिया के जरिए चल रही है। ऐतिहासिक दिन है मुरादाबाद की धरती के लिए, इस तरह की पहली पहल करी है मुरादाबाद के।
यहाँ पर आए सभी अपने मित्रों का, स्पोर्टर्स का, मीडिया का और दोस्तों का धन्यवाद अदा करता हूँ। जो है हम लोग हमारा क्रिकेट मैच हुआ है जो मुरादाबाद और दिल्ली APCS के बीच में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे युवा से जो आपके टीम के लड़के खेल रहे हैं, उनको क्या कहना? एक अच्छी शुरुआत है और EPCS ने ये दूसरा मैच ऑर्गेनाइज किया है। पहला मैच जो है वो दिल्ली में हुआ था। तो एक्सपोर्टर्स जो हैं जो सिर्फ अपने बिजनेस में ही एक थोड़े से इन्वॉल्व हैं, जो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का।